नमस्कार दोस्तों, मैं नव्या बेरी newsnumber.com देख रहे अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि newsnumber.com के ज़रिए हम आप सभी को कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों से हमेशा मिलवाते रहते हैं। तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे कलाकारों से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी कला को अक्सर हम सभी अनदेखा सा कर देते हैं। आज हम सभी आ पहुंचे हैं कपूरथला में, जहां पर ये सभी कलाकार जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं दीपावली पर आप सभी के घरों को दियों की रोशनी से रोशन करने के लिए। तो आइए चलते हैं, करते हैं उनसे कुछ बातचीत। आंटी, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। शारदा देवी। तो दिए बनाने का जो आप काम करते हैं, इससे कितने घरों को रोजगार मिलता है? मैडम, बस ऐसे ये भी खर्चा पानी चल ही जाता घर पाने का। ये पाथियाँ वगैरह भी आप दिए बनाने में इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, ये ऐसे पाथी लेते जब भी दीवे पकते हैं, नहीं ऐसे नहीं पकते जी दीवे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको मिट्टी पहुंचाता है, एक तरह से उसे भी रोजगार मिलता है दीये बनाने से। हाँ जी। जो पाथियाँ आपको देकर जाता है उनको भी मिलता है? हाँ जी, वो उसको भी मिलता और है। फूस भी लगती है? हाँ, फूस भी लगते है। ठीक है, जो मतलब फूस भी देता है आपको, उसकी भी एक तरह से उसका भी घर चलता है, और जो दीये बनाता है उसका तो चलता है। तो आप कुछ कह रहे थे कि लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत अजीब तरह सा एक उनका रिस्पांस रहता है, तो वो कैसा रहता है? वो पता कि लोग ऐसे कहते हैं भी हमारी गाड़ी देख के तुम पैसे ज़्यादा, हमको ज़्यादा थोड़ी कहते हैं, आपकी मेहनत लेते हैं हम जो होती है। तो आपको कैसे पड़ती है ये जो मिट्टी आप मंगाते हो, कितने कितना क्या भाव क्या पड़ता है आपको इसका? वो 3,000 ट्रैली लेता है भाई। अच्छा। हाँ जी। और ये जो पाथियाँ हैं इसका, ये भी इसका भी खर्चा काफ़ी आता होगा? हाँ जी। कितना पड़ जाता है इसका खर्चा आपको? ये देते वैसे रुपये पाती, तो एक घर आके वही 2 रुपये पड़ जाती है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आपको कितना खर्चा पड़ता है आप जब दिए बनाते हैं तो, सिर्फ इसका बनाई बनाई में? 1,000 के पीछे कोई 100-150 रुपये बचे। हाँ भाई, इतना बचता है। तो दर्शकों, अभी मेरे साथ हैं संदीप जी, जिन्हें मैंने देखा यहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिए बना रहे थे। तो चलो करते हैं उनसे कुछ बातचीत। तो सबसे पहले तो संदीप जी, मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करना चाहूँगी हमारे ये चैनल newsnumber.com पर। नमस्कार मैम। तो संदीप जी, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका पुश्तैनी काम है दिए बनाना, आप कहाँ से हैं? आप पंजाब से ही हैं? हाँ मैम, पंजाब से ही हैं। हमारा ये पुश्तैनी काम है, शुरू से हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते आ रहे हैं। तो आपको कितने साल हो गए हैं दिए बनाते? मुझे मैम 15 साल हो गए बनाते हूँ, वैसे हमारे बुजुर्गों को 40 साल से करीब हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी जैसे इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है दिए बनाने में, तो इसका, इस कला का आपको मूल्य बराबर से मिल पाता है या नहीं? नहीं नहीं मैडम, मूल्य तो नहीं मिलता। ये यार कस्टमर आते हैं, ये वो बोलते हैं ये मिट्टी है, इसमें कौन सा ज़्यादा कोई मेहनत लगती है, पर जब देखते हैं, पर वो जब देखते हैं तो बोलते हैं नहीं मेहनत है, पर जब लेते हैं खरीदते सामान तो बोलते हैं नहीं ये तो मिट्टी है। इसलिए खरीदारी करने आते हैं तो ज़्यादा रिएक्ट अच्छा नहीं करते, वो बोलते हैं आप कार देखते हैं मूल्य मांगते हुए, इसलिए होता है। दिए बनाने का जो कारोबार है, ये सीजनल है या पूरे साल इसकी बिक्री चलती है बराबर? ये सीजनल ही है, ये दीपावली पर ही होता है बस। तो आपका घर पूरे साल फिर किस तरह आप चलाते हैं? पूरे साल रहता है मेरे, ये घरों का भी सीजन होता है गर्मियों में ही, तो गमलों का भी सीजन होता है सर्दियों में। ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरा आपका मैनेज हो जाता है घर का खर्चा। तो आप मुझे बताइए कि दिए बनाने की विधि, आई मीन प्रोसेस उसका कैसा है, और इसे कितने दिन लग जाते हैं तैयार होने? ये प्रोसेस ऐसा है, मैंने पहले मिट्टी मंगानी पड़ती है, फिर उसे छाना जाता है मिट्टी को, उसे घोला जाता है और उसे मुलायम करके फिर उसके बाद दिए बनते हैं। आमतौर पे कितने दिन लगते हैं दिए को बनाने? 3 दिन लग जाते हैं बनने में। ठीक है, तो ये मिट्टी कुछ स्पेशल होती है एक टाइप की, उसी से दिए बनाए जा सकते हैं? स्पेशल होती है, चीकनी मिट्टी होती है, चीकनी मिट्टी से बनते हैं। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए कि आपके जितने दिए यहाँ पर बनते हैं, वो उन सबकी बिक्री क्या हो जाती है? आपको कोई घाटा तो नहीं रहता? नहीं नहीं, हो जाती बिक्री, ये सीजन के बाद भी थोड़े बहुत बिकते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मार्केट में कितना प्राइस है और आपको उस हिसाब से मिलता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा ये है ना कि लोग आते हैं यहाँ, बोलते हैं आप बनाते हो यहाँ सस्ते होंगे, पर मार्केट में महंगे होते हैं ये। अच्छा, तो आपसे यहाँ पे सस्ते दामों पर वो ले जाते हैं और मार्केट में उसे महंगा बेच देते हैं।
तो यहाँ पे जिस तरह होल सेल प्राइजेस में आप उनको दे देते होंगे सभी के सभी लॉट उठा कर, तो newsnumber.com के ज़रिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि मैडम कि हमें बस दिए यही जाना चाहिए, चाइना का माल हमें ये नहीं जगह बरतना चाहिए। तो मैंने ये भी सुना है कि जो सरसों का तेल बलना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है दिवाली पर, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये मैम सरसों का तेल है, ये दिवाली पर एक हिस्सा ही है। ऐसे जब राम जी वनवास काल कर आए थे तो उनकी खुशी में दिवे जलाए जाते थे ये सरसों के। तो इससे मैंने ये भी सुना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा, उससे प्रदूषण कम होता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। ये ऐसा ना है जो चाइना का माल होता है वो सारे का होता है नहीं होता ये तो हमें मालूम नहीं है। ये हमारा ये है जो मिट्टी का माल है वो रिसाइकल हो जाता है। हाँ जी, यूज हो जाता है। जो दिए हैं मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही वो वापस मिल जाएंगे, तो एक तरह से वेस्ट जेनरेशन भी नहीं होता है, वेस्ट जेनरेट नहीं होता है दियो से, वो बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल है, तो एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। सो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम यही आशा करेंगे कि लोग आपकी कला को पहचानें, समझें, और उसका एक अच्छा जो बनता है उतना मूल्य देकर जाएं, ना कि अगली बार जब आपके पास कोई गाड़ी रुके तो वो ये कहकर जाए कि आप गाड़ी देखकर रेट मांगते हैं। हाँ जी, मेरा देशवासियों को यही संदेश है जी कि बत्ते बत आप तेल फूकिए, तेल बालिए, दिए जलाइए, और चाइना का माल जो आ रहा फैंसी आ रहा उसको बंद कीजिए आप, क्योंकि चाइना के माल में प्रदूषण ज़्यादा है, सजावट उसकी जरूर ज़्यादा है पर प्रदूषण ज़्यादा उसमें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि बत्ते बत आप दीवे जलाइए और तेल फूकिए और खुशी प्राप्त कीजिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली, जिसे दीपों की अवली भी कहा जाता है, अधूरी सी है इन दियों के बिना। ये दिए न केवल हम सभी के घरों को रोशन करते हैं, पर इसी के साथ साथ रोजगार देकर इन सभी कलाकारों के घरों को भी उतनी ही रोशनी प्रदान करते हैं। तो आइए हम सभी भारतीय ये प्रण लेते हैं कि इस कला को, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है, उसे बचाए रखने के लिए हम भी उतना ही प्रयास करें जितना यहाँ मौजूद सभी कलाकार और इस समय पूरे भारत में दिए बना रहे बाकी कलाकार भी कर रहे होंगे। क्यों ना इस बार अपने चाहने वालों को एक दिया तोहफे में दें, और तोहफे में दें इन सभी को, इन सभी का रोजगार भी। Let's celebrate this Diwali in an authentic way, the way it should be celebrated. Thank you.